हेलो स्टूडेंट्स, हम पनोरमा बुक का 7th चैप्टर पढ़ा रहे थे, द डेड मैंस पाथ। वो हमारा अधूरा रह गया था, तो आज उसका शेष हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, आई वॉज थिंकिंग व्हाट ए गुड ग्रैंड अपॉर्चुनिटी वी हैव गोट एट लास्ट टू शो दीज पीपल हाउ ए स्कूल शुड बी रन। मैं सोच रहा था कि वास्तव में हमको कितना अच्छा अवसर मिला है कि हम दिखा सकें कि हम किसी स्कूल को कितने अच्छी तरह से चला सकते हैं। एंड्यूम स्कूल वाज बैकवर्ड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। एंड्यूम जो स्कूल था वो हर तरह से संसार का सबसे पिछड़ा हुआ स्कूल था। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ इनटू द वर्क। और मिस्टर ओबी जो थे उन्होंने अपना पूरा जीवन कठिन परिश्रम करने में ही निकाला था। एंड हिज वाइफ हर्स टू और उसकी पत्नी ने भी। ही हैड टू एम्स, उसके दो उद्देश्य रहे। ए स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वाज इंसिस्टेड अपॉन कि एक तो विद्यालय में जो पढ़ाई का तरीका है वह उच्च स्तर का होना चाहिए। एंड द स्कूल कंपाउंड वाज टू बी टर्न्ड इनटू अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, और स्कूल का जो गार्डन है या सामने का जो ग्राउंड है वो सुंदरता का प्रतीक होना चाहिए। नैन्सीज ड्रीम गार्डन्स केम टू लाइफ विद द कमिंग ऑफ द रेन्स, और जैसे ही बारिश का मौसम आया नैन्सी के सपने सच होते हुए नजर आए। एंड ब्लॉसम्ड, अब उसके सपने जगमगाने लगे। ब्यूटीफुल हिबिकस एंड आलमंडा हेजेज इन ब्रिलियंट रेड एंड येलो मार्क्ड आउट द केयरफुली टेंडेड स्कूल कंपाउंड फ्रॉम द रैंक नेबरहुड बुशेज। अब विद्यालय का जो आंगन था उसके चारों तरफ जो झाड़ियाँ थीं उन झाड़ियों के बीच में भी लाल और पीले रंग के हिबिकस और आलमंडा के जो फूल थे वो दिखाई देने लगे। वन इवनिंग एज ओबी वाज एडमायरिंग हिज वर्क, एक शाम को जब ओबी अपने कार्य की प्रशंसा कर रहा था, ही वाज स्कैंडलाइज्ड टू सी, वह आश्चर्य में पड़ गया यह देखकर, एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध औरत, फ्रॉम द विलेज होबल राइट, गांव के रास्ते से अक्रॉस द कंपाउंड, स्कूल के आंगन से होकर निकली थ्रो ए मैरीगोल्ड फ्लावर बेड, और वह जहाँ से निकल रही थी वहीं पे गेंदे के फूलों की एक क्यारी बनी हुई थी। एंड द हेजेज, और बहुत सी क्यारियाँ अन्य भी बनी हुई थी। ऑन गोइंग अप देयर ही फाउंड, जब मिस्टर ओबी वहाँ गए तो उन्होंने देखा, फेंट साइंस ऑफ एन ऑलमोस्ट डिसयूज पाथ, कि उस रास्ते का गलत उपयोग किया गया था। द विलेज अक्रॉस द स्कूल, यह रास्ता जो गाँव से और विद्यालय के आंगन में होता हुआ निकलता था, टू द बुश ऑन द अदर साइड, जिसके दूसरी तरफ बहुत सारी झाड़ियाँ थी। इट अमेजेज मी, इसने मुझे आश्चर्य में डाल दिया, सेड ओबी। ओबी ने कहा टू वन ऑफ हिज टीचर्स, अपने ही विद्यालय के एक अन्य अध्यापक से, हु हैड बीन 3 years इन द स्कूल, जो उस विद्यालय में लगभग 3 वर्ष से पढ़ा रहा था, दैट यू पीपल अलाउड द विलेजर्स टू मेक यूज ऑफ दिस फुटपाथ। वह कहने लगा कि तुमने ही गांव वालों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी है। इट इज सिंपली इनक्रेडिबल, वास्तव में यह बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। ही शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिला दिया। द पाथ, सेड द टीचर अपोलॉजिकली, अध्यापक ने बहुत ही विनम्रता से कहा, अपीयर्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, कि यह रास्ता जो है वो गाँव वालों के लिए बहुत उपयोगी है। ऑल्दो इट इज़ हार्डली यूज्ड, यद्यपि इसका उपयोग बहुत मुश्किल से ही किया जाता है। इट कनेक्ट द विलेज श्राइन विद द प्ले विद देयर प्लेस ऑफ ब्यूरियल, यह गांव वालों के मंदिर का रास्ता जो है वह उनके शमशान के रास्ते से जोड़ता है। एंड व्हाट हैज दैट गोट टू डू विद द स्कूल, और इससे स्कूल का क्या लेना देना है, आस्क्ड द हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक ने पूछा। वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, रिप्लाइड द अदर विद आश्रग द सोल्जर्स, दूसरे टीचर ने अपने कंधे चढ़ाते हुए कहा। बट आई रिमेम्बर, लेकिन मुझे याद है, देयर वाज ए बिग रो सम टाइम अगो, कि कुछ समय पहले यहाँ एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। व्हेन वी अटेम्प्टेड टू क्लोज इट, जब हमने इस रास्ते को बंद कराने के लिए कदम उठाए। That was some time ago, यह कुछ समय पहले की बात थी। But it will not be used now, लेकिन अब इसका उपयोग इस प्रकार से नहीं होगा, said Obi. Obi ने कहा, as he walked away, जैसे ही वह आगे चलने लगा। What will the government education officer think, जब हमारे सरकारी शिक्षा मंत्री आएंगे तो वो क्या सोचेंगे of this, इसके बारे में।
व्हेन ही कम्स टू इंस्पेक्ट द स्कूल नेक्स्ट वीक, जब वो विद्यालय का अगले सप्ताह निरीक्षण करने आएंगे। द विलेजर्स माइट फॉर ऑल आई नो, जितना मैं जान सकता हूँ यह होगा कि गांव वाले कर सकते हैं डिसाइड निश्चित टू यूज़ द स्कूल रूम फॉर ए पैगन रिचुअल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, की हो सकता है गांव वाले जिस समय निरीक्षण हो उस समय विद्यालय के किसी कमरे को धार्मिक कार्य में काम में ले लें। हैवी स्टिक्स वर प्लांटेड क्लोजली अक्रॉस द पाथ, अब बहुत भारी भारी लकड़ियाँ जो थी वो पूरे रास्ते में लगा दी गई। एट द टू प्लेसेस, दो स्थानों पर, वेयर इट एंटर्ड, जहाँ से उस रास्ते का प्रवेश होता था, एंड लेफ्ट द स्कूल प्रमिसेज, और जहाँ पे उसके स्कूल के आंगन के रास्ते का अंत होता था। दीज वर फर्दर स्ट्रेथेंथ विद बार्बर्ड वायर, इतना ही नहीं विद्यालय के उस रास्ते में कांटेदार तार भी लगा दिए गए। थ्री डेज लेटर, तीन दिन के बाद, द विलेज प्रीस्ट ऑफ एनी का एक गांव का एक पंडित जो था जिसका नाम एनी था, कॉल्ड ऑन द हेडमास्टर, उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा बुलाया गया। ही वाज एन ओल्ड मैन, वह एक वृद्ध व्यक्ति था। एंड वॉक्ड विद ए स्लाइट स्टूप, और वह कुछ झुककर एक लकड़ी के सहारे से चलता था। ही कैरीड ए स्टाउट वॉकिंग स्टिक, उसके हाथ में एक चलने के लिए लकड़ी थी, विच ही यूजुअली ट्रैप्ड ऑन द फ्लोर, जिसे वह ज़्यादातर फर्श पर लगाकर चलता था। बाई वे ऑफ एम्फेसिस ईच टाइम ही मेड ए न्यू पॉइंट इन हिज आर्गूमेंट, जब कभी भी वह आगे चलता अपनी हर बात में एक तर्क वितर्क जरूर करता। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, ही सेड आफ्टर द यूजुअल एक्सचेंज ऑफ कॉर्डिलिटीज, काफ़ी विचार विमर्श के बाद उसने कहा, मैंने सुना है दैट अवर एसेंट्रियल फुटपाथ हैज़ रिसेंटली बीन क्लोज्ड, कि हमारा प्राचीन जो पूर्वजों का रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। यस, रिप्लाइड मिस्टर ओबी ने कहा, हाँ, वी कैन नॉट अलाउ पीपल टू मेक हाईवे ऑफ अवर स्कूल कंपाउंड, वह ओबी कहने लगा कि हम लोगों को इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि वो हमारे विद्यालय के आंगन का रास्ता गांव वालों के लिए बनाए। लुक हेयर माई सन, देखो मेरे बेटे, सेड द प्रीस्ट, पंडित ने कहा, ब्रिंगिंग डाउन हिज वॉकिंग स्टिक, अपनी चलने की लकड़ी को फटकारते हुए, दिस पाथ वाज हेयर बिफोर यू वर बोर्न, कि यह रास्ता यहाँ पे तुम्हारे जन्म लेने से पहले का है, एंड बिफोर योर फादर वाज बोर्न, और इतना ही नहीं तुम्हारे पिताजी के भी जन्म से पहले का है। द होल लाइफ ऑफ दिस विलेज डिपेंड्स ऑन इट, पूरे गाँव का पूरा जीवन इसी रास्ते पर आश्रित है। अवर डेड रिलेटिव्स डिपार्ट बाई इट, हमारे मृत रिश्तेदार इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। एंड अवर एंसेस्टर्स विजिट बाई अस बाई अस इट, और हमारे जो पूर्वज हैं वो इसी रास्ते से होकर हमारे पास मिलने आते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, इट इज़ द पाथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग इन टू बी बोर्न, कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो यहीं से लाया जाता है, इसी रास्ते से। मिस्टर ओबी लिसन्ड विद ए सेटिस्फाइड स्माइल ऑन हिज फेस, मिस्टर ओबी ये सारी बातें अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए हुए संतुष्टि से सुन रहे थे। द होल पर्पज़ ऑफ अवर स्कूल, ही सेड फाइनली, अंतिम रूप से मिस्टर ओबी ने कहा कि हमारे विद्यालय का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि इज़ टू इरेडिकेट जस्ट सच बिलीव्स एज दैट, कि हमें इस गांव के ऐसे जो विश्वास हैं उनको हटाना है। डेड मैन डू नॉट रिक्वायर फुटपाथ, क्योंकि मृत व्यक्तियों को कभी भी पगडंडियों या रास्तों की ज़रूरत नहीं होती। द होल आइडिया इज़ जस्ट फैंटास्टिक, यह तो पूरा ही विचार कल्पनात्मक है। आवर ड्यूटी इज़ टू टीच योर चिल्ड्रन टू लाफ एट सच आइडियाज़, हमारा कर्तव्य आपके बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो ऐसे विचारों पर हंस सकें। वॉट यू से मे बी ट्रू, रिप्लाइड द प्रीस्ट, पंडित ने कहा कि हो सकता है जो तुम कह रहे हो वो सही हो। बट वी फॉलो द प्रैक्टिसेज ऑफ अवर फादर्स, लेकिन हम हमारे पूर्वजों की बातों का अनुसरण करते हैं। इफ़ यू रीओपन द पाथ, यदि तुम दोबारा से रास्ते को खोलते हो, वी शैल हैव नथिंग टू क्यूरल अबाउट, तो हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। व्हाट आई ऑलवेज से इज, जो मैं हमेशा कहता हूँ, लेट द होक पर्च एंड लेट द ईगल पर्च ही रोज टू गो, कि जैसा पेड़ हो वैसी चील बैठे, ही रोज टू गो, वह जाने के लिए उठ लिया। आई एम सॉरी,
मुझे दुख है, सैड द यंग हेडमास्टर, नौजवान प्रधानाध्यापक ने कहा, बट द स्कूल कंपाउंड कैन नॉट बी ए थ्रोफेयर, लेकिन अब यह स्कूल का आंगन एक रास्ता नहीं होगा। इट इज़ अगेंस्ट अवर रेगुलेशंस, यह हमारे स्कूल के नियमों के विरुद्ध है। आई वुड सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सुझाव दूंगा, कंस्ट्रक्ट अनोदर पाथ, एक नया रास्ता बना लो, गोइंग अराउंड प्रमिसेज, इस स्कूल के चारों तरफ जाने के लिए। वी कैन इवन गेट अवर बॉयज टू हेल्प इन बिल्डिंग इट, हम हमारे विद्यालय के लड़कों को आपका सहयोग करने के लिए काम में लगा देंगे। आई डोंट सपोज द एंसेस्टर्स विल फाइंड द लिटिल डिट्योर टू बर्डसम, मैं नहीं सोच सकता कि हमारे जो पूर्वज है वो इस बात से नाराज होंगे। आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से, मेरे पास कहने के लिए और शब्द नहीं हैं, सैड द ओल्ड प्रीस्ट, वृद्ध पंडित ने कहा, ऑलरेडी आउटसाइड, जो पहले से ही बाहर जा चुका था। टू डेज लेटर, दो दिन के बाद, ए यंग वूमेन इन द विलेज, गांव में एक नौजवान औरत डाइड इन चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देते समय मर गई। ए डिवाइनर वाज इमीडिएटली कंसल्टेड, तभी एक दैवी की शक्ति वाले व्यक्ति से तुरंत पूछा गया, एंड ही प्रेस्क्राइब्ड हैवी सेक्रीफाइसेस, और उसने बहुत बड़े बड़े बलिदान बता दिए टू पैसिफाई एंसेस्टर्स इंसल्टेड बाय द फेंस, कि इस औरत के मर जाने से जो हमारे पूर्वज नाराज हुए हैं उनको किस प्रकार से संतुष्ट किया जाए। ओ बी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, ओ बी अगली सुबह उठा, अमोंग द रूइंस ऑफ हिज वर्क, उसने देखा कि उसके विद्यालय के सारे काम को बर्बाद कर दिया गया था। द ब्यूटिफुल हेजेज वर टोर्न अप, सुंदर सुंदर क्यारियाँ खराब कर दी गई थी। नॉट जस्ट नियर द पाथ, न केवल रास्ते के पास से, बट राइट राउंड द स्कूल, बल्कि स्कूल के चारों तरफ के रास्ते से। द फ्लोवर्स ट्रेम्बल्ड टू डेथ, सारे फूल नष्ट कर दिए गए, एंड वन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग पुल्ड डाउन, विद्यालय का एक भवन भी गिरा दिया गया। दैट डे, उस दिन, द वाइट सुपरवाइजर केम टू इंस्पेक्ट द स्कूल, एक अंग्रेज अधिकारी विद्यालय का इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करने के लिए आया। एंड रोट ए नेस्टी रिपोर्ट, और उसने एक बहुत ही बुरी रिपोर्ट तैयार की ऑन द स्टेट, इस स्थिति की, ऑफ द प्रमिसेज, विद्यालय के चारों तरफ के आंगन की, बट मोर, बल्कि इससे भी अधिक सीरियसली, अबाउट द ट्राइबल वार सिचुएशन, इतना जो कबीले का युद्ध हुआ था उस स्थिति के बारे में उसने एक बहुत ही रिपोर्ट तैयार की, डेवलपिंग बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज, जो कि स्कूल और गाँव के बीच में युद्ध हुआ था, अराइजिंग इन पार्ट फ्रॉम द मिसगाइडेड जील ऑफ द न्यू हेडमास्टर, और यह कार्य सिर्फ एक प्रधानाध्यापक के प्रति गांव के लोगों की ईर्ष्यालु भावना की वजह से हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पनोरमा बुक का जो 7th चैप्टर है, द डेड मैंस पाथ, वह कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।